इसके पास काम आई, तो उसने मंत्री शर्मा नाम का एक फौजी जो 2016 में बतौर ड्राइवर आर्मी में भर्ती हुआ था। हिमाचल के योल कैंट से बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना का एक फौजी जवान गिरफ्तार हुआ है, जिसने खुफिया एजेंसी ISI को भेजे थे पालमपुर के योल आर्मी कैंट की फोटो व नक्शा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित आर्मी योल कैंट की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की NJC ISI को भेजने के मामले में पंजाब पुलिस ने एक फौजी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पंजाब के पटियाला जेल में बंद ISI के एजेंट अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया गया था, उसी से ये सारी जानकारी सामने आई थी। अब अमरीक सिंह के साथी फौजी जवान मनप्रीत सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मनप्रीत सिंह की गिरफ्तार हिमाचल प्रदेश से हुई है। मनप्रीत सिंह ने ही अमरीक सिंह को पालमपुर के योल आर्मी कैंट के सभी नक्शे मुहैया करवाए थे। इसके बाद अमरीक सिंह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को 140 पन्नों की PDF फाइल भेजी थी। मनप्रीत सिंह पहले पटियाला पोस्टेड था, उसके बाद वह पठानकोट पोस्टेड रहा और मौजूदा समय में वह मध्य प्रदेश तैनात है। पुलिस सूत्रों की माने तो मनप्रीत सिंह को जब पता चला कि अमरीक सिंह की पोल खुल चुकी है, तो वह छुट्टी लेकर हिमाचल भाग गया था। पुलिस ने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से उसे हिमाचल से काबू किया है। पटियाला पुलिस फौजी मनप्रीत सिंह को लेकर पटियाला पहुंच रही है। फौजी मनप्रीत सिंह से बड़े खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि पटियाल जेल में बंद नशा तस्कर के मोबाइल से पुलिस को भारतीय सेना से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इस दौरान पता चला कि नशा तस्कर अमरीक सिंह को पाकिस्तानी खुफिया NJC ने हथियार भी भेजे थे। अमरीक सिंह ने हिमाचल के पालमपुर स्थित योल आर्मी कैंट के नक्शे और तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। इसी मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है और भारतीय सेना जवान को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर देखिए, जो अमरीक हमने रिसेंट टाइम्स में पिछले साल 2022 में इसके ऊपर एक 8 किलो हेरोइन की रिकवरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में इसका हमने मोबाइल फोरेंसिक्स कराया था। जब मोबाइल फोरेंसिक्स को हमने डीपली देखा तो हमको ये बात सामने आई कि इसके मोबाइल में आर्मी की काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो बरामद हुई। हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक नई FIR लॉन्च करके एंड हमने इसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया। इससे हमने पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन तो इसके पास कहां से आई, तो इसने मंत्री शर्मा नाम का एक फौजी जो 2016 में बतौर ड्राइवर आर्मी में भर्ती हुआ था और बलगेड़ा एरिया का रहने वाला, इसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से आई। इमीडिएटली हमने मंत्री शर्मा के बारे में पता किया और हमारी जो टीम है उसने भोपाल मध्य प्रदेश में, जहां पे वो करंटली पोस्टेड था, वहां से उसको अरेस्ट किया। तो अभी प्रोडक्शन वारंट पे हमने उसको लिया, 5 दिन का हमारे पास रिमांड है और उसने ये बात मानी है कि वो आर्मी की ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है अमरीक देवना को सप्लाई करता था। देखिए, जब पहले भी अमरीक में मुकदमे दर्ज हुए थे हीरोइन रिकवरी के, उस समय भी इसके इंटरोगेशन में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में कई स्मगलर से ये लिंक में है। तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में भी प्रिलिमिनरी ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान तक जाती थी। देखिए, फौजी जब भर्ती हुआ था तो उसके बाद पठानकोट, फिर चंडी मंदिर और अभी रिसेंट में भोपाल मध्य प्रदेश में पोस्टेड। देखिए, हमने डे वन से ही जो मिलिट्री का इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम MI कहते हैं, हमने उनको इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, क्योंकि उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कितने छोटे रैंक के कर्मचारी को इतनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके तक एक्सेस कैसे। देखिए, अभी ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बड़े डीपली और साइंटिफिकली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और किसी का भी रोल आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी हम करते हैं। देखिए, जो अमरीक हमने रिसेंट टाइम्स में पिछले साल 2022 में इसके ऊपर एक 8 किलो हेरोइन की रिकवरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में इसका हमने मोबाइल फोरेंसिक्स कराया था। जब मोबाइल फोरेंसिक्स को हमने डीपली देखा तो हमको ये बात सामने आई कि इसके मोबाइल में आर्मी की काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो बरामद हुई। हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एक नई FIR लॉन्च करके एंड हमने इसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया। इससे हमने पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन तो इसके पास कहां से आई, तो इसने मंत्री शर्मा नाम का एक फौजी जो 2016 में बतौर ड्राइवर आर्मी में भर्ती हुआ था और बलगेड़ा एरिया का रहने वाला, इसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से आई। इमीडिएटली हमने मंत्री शर्मा के बारे में पता किया और हमारी जो टीम है उसने भोपाल मध्य प्रदेश में, जहां पे वो करंटली पोस्टेड था, वहां से उसको अरेस्ट किया। तो अभी
वारंट पे हमने उसको लिया, 5 दिन का हमारे पास रिमांड है, और उसने ये बात मानी है कि वो आर्मी की ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है अमरीक बिरला को सप्लाई करता था। देखिए, जब पहले भी अमरीक में मुकदमे दर्ज हुए थे हीरोइन रिकवरी के, उस समय भी इसके इंटरोगेशन में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में कई स्मगलर से ये लिंक में है। तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में भी प्रिलिमिनरी ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान तक जाती थी। देखिए, फौजी जब भर्ती हुआ था तो उसके बाद पठानकोट, फिर चंडी मंदिर, और अभी रिसेंट में भोपाल मध्य प्रदेश में पोस्टेड। देखिए, हमने डे वन से ही जो मिलिट्री का इंटेलिजेंस होता है जिसको हम MI कहते हैं, हमने उनको इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, क्योंकि उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कितने छोटे रैंक के कर्मचारी को इतनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके तक एक्सेस कैसे। देखिए, अभी ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बड़े डीपली और साइंटिफिकली इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, और किसी का भी रोल आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी हम करते हैं। पर और गद्दार सैनिक के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।